नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सुर्खी, उपचुनाव में मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की शिकायत कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने की। मध्य प्रदेश के सागर में सुर्खी, विधानसभा क्षेत्र में अब मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप कांग्रेस की प्रत्याशी पारुल साहू ने लगाया है। पूर्व विधायक पारुल साहू ने आज मीडिया से चर्चा में कहा कि कलेक्टर भाजपा प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 9000 फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। भाजपा ने हार के डर से यह काम किया है, इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। उधर भोपाल से कांग्रेस के चुनाव आयोग प्रभारी जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी शिकायत की है। उन्होंने सूची से फर्जी नाम हटाने की मांग की है। शिकायत के अनुसार प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। सुर्खी, विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती पारुल साहू द्वारा उनके स्तर पर विधानसभा उपचुनाव से संबंधित मतदाता सूचियों का अवलोकन किया गया है एवं मतदाता सूचियों में कई डुप्लीकेट नामों की संख्या है तथा कई फर्जी नाम है, जिसमें करीब 8500 से 9000 फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में उल्लेखित हो रहे हैं। इसकी शिकायत पूर्व में भी की गई थी तथा उनके द्वारा पुनः मांग की गई है कि मतदान के पूर्व फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने की कार्यवाही भी की जाए, जिसके साथ उन्होंने पत्र एवं अन्य विवरण भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने मांग की है कि निर्वाचन आयोग से निवेदन है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों में जोड़े गए 8500 से फर्जी मतदाताओं के नाम तत्काल हटाए जाएं, जिससे कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का मतदान निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न हो सके, जो कि न्यायोचित होगा। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, ये जो जानकारी मैंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट से निकाली है, उसमें आप पूरी जानकारी देखेंगे डिटेल। 2013 और 2018 इसमें जो वोटर लिस्ट है, 2013 से 18 तक में लगभग 5 साल में जो हमारे नए मतदाता वोटर्स इंक्रीज हुए थे वो 8500 थे, लेकिन 2018 से 20 दो साल के बीच में ये जो नए नाम नए वोटर जुड़े हुए हैं ये लगभग 13000 है। तो यहीं पे ये मैटर आता है कि महज 2 साल में नए मतदाता इतना कैसे बढ़ सकता है, और ये जो इंक्रीज हुआ है वो लगभग 8500 से 9000 वोटर्स जो है वो फॉल्स नाम जोड़े गए हैं, मतलब फर्जी मतदाता के नाम लगभग 8500 से 9000 जोड़े गए हैं। ये लिस्ट सभी को अवेलेबल हो जाएगी और मैं सबकी कॉपी भी दे दूँगी। इसकी शिकायत मैंने चुनाव आयोग में की है। और दूसरी बात जो है, ये जो हमारे सरकारी अधिकारियों के वोट डलते हैं उसमें भी आप देखेंगे कई जगह इनका जो वोट डलना है वो दो दो जगह नाम इनका जुड़ा हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और मैंने पोलिंग वार बूथवार इसकी जानकारी यहाँ पे दी है। और ये जब मैंने देखा कि इस तरह से इतना नंबर 2 सालों में बढ़ा है तो शक हुआ कि कहीं ना कहीं फर्जी नाम जुड़े गए हैं। इसकी जब जांच की, चेक किया हमने, तो आप देखेंगे ये जिला जो बॉर्डर के हमारे गांव हैं, जिला पोलिंग की बात हमने की इसमें, तो आप साफ देखेंगे, प्रमाण के साथ बात कर रही हूँ आज, एक ही नाम के 1, 2, 3, 4 नाम जुड़े हुए हैं। व्यक्ति एक है, फोटो आप देख लीजिए, आपको सबको कॉपी दूंगी मैं। व्यक्ति एक है, 1, 2, 3, 4। आप इसको डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। इनका नाम अलग अलग नाम से 4 फोटो, मतलब इनका नाम है राज सिंह राजपूत, ओरिजिनल नाम राज सिंह राजपूत। ये आप देखिए, प्रूफ है मेरे पास, एक ये है। दूसरा, बाकी तो ठीक है, नाम जोड़े अच्छी बात है, 4 बार जोड़े अच्छी बात है। इनको लगा फर्जी मतदाता के नाम जोड़ेंगे, वो जनता चुनाव लड़ रही है, हार के डर से जो ये फर्जी नाम जोड़े गए हैं। मैं मीडिया से ये अनुरोध करती हूँ
आप सब डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हैं और आप सब लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज फील्ड में जाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, क्योंकि एक बार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ छलावा हो चुका है, धोखा हो चुका है। अब जब सामने स्थिति बनी कि इस बार जनता खुद चुनाव लड़ रही है, जनता जवाब देने के लिए तैयार है, तो अब इस तरह के काम किए जा रहे हैं। आपने कलेक्टर को हटाने की मांग की है आयोग? मैंने आयोग से पूरी मांग की है, आपको सारी कॉपी दे दूंगी मैं, क्योंकि आपके सामने मैंने यही बात की। चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टर ही होते हैं, उनके सुपरविजन में ही ये सब काम होते हैं। आप फर्जी नाम जोड़ रहे हैं, आप फर्जी कागज जोड़ रहे हैं। वोटर्स तो ठीक है, इंसान भी गायब है, यहाँ पे कागज जोड़े जा रहे हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है। दूसरे जो आपके अधिकारी वोट डालेंगे बैलेट के, तो क्या वो एक ही जगह, एक ही व्यक्ति का दो दो जगह अपना वोट डालेगा, ये दूसरी शक आता है। तीसरी बात, आप सबने वीडियो देखा होगा कि किस तरह से वृद्ध लोगों के और जो हमारे विकलांग भाई हैं उनके वोटर्स घर घर जाके जो डलवाए जा रहे हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं, ना उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। आपने एक वीडियो देखा होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता ही उनका वोट डलवा रहा है, ये दो तीन जगह से शिकायत आई थी और उन्होंने इस बात को बताया भी है। कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट है जो उसको निरस्त करने की मांग की है, तो छह दिन में आपको लगता है कि चुनाव आयोग जल्दी से संज्ञान लेगा इतनी गंभीर विषयों को लेके और कोई कार्रवाई करेगा? डेफिनेटली लेना चाहिए, और ये जनता के लिए इलेक्शन हो रहा है इस बार मध्य प्रदेश में, जनता के हित के लिए इलेक्शन हो रहा है, ना कि किसी व्यक्ति के हित के लिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, उस मैटर को आप सब, आपके माध्यम से जब जाएगा, और मैं खुद की शिकायत कर रही हूं। बैलेट वाले मामले में क्या किया आपने, अभी जो फर्जी मतदान हो गया विकलांग वाला, उसकी भी शिकायत हमने की है, उसकी भी शिकायत हमने की। कांग्रेस ने कोई जोर शोर से नहीं उठाया वो मामला? और तीसरी बात, मतदान भी हो गया, जैसे कांग्रेस ने मांग की है प्रदेश में जो पोस्टल बैलेट से मतदान हुआ उनको निरस्त किया जाए, तो आप भी मांग करते हैं क्या? बिल्कुल मैं मांग करती हूँ, क्योंकि इसको सिस्टमैटिक नहीं किया गया है। और आप सबने देखा, बीच में आप ही लोगों के माध्यम से मैंने भी एक वीडियो देखा कि ये भाजपा के लोग किस तरह से अपने उसके लिफाफे जो बोलते हैं पैसा बांटने का काम कर रहे हैं, उस पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसमें स्पष्ट लिखा है कि कहाँ पे किस व्यक्ति के द्वारा ये पैसे वितरित किए जा रहे हैं। क्या पहले तो जनता के मत का सौदा किया गया बेंगलोर में, अब